dear students in this module we are going to discuss a very interesting question what happens when religion and culture conflict conflict can arise when religious beliefs and practices clash with different cultural norms and values religious institutions may be resistant to change in response to cultural shifts leading to tension and conflict and similarly cultural practices दैट कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस बिलीफ कैन ऑल्सो लीड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जिनका शायद मज़हब से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है या मजहबी आइडियालोजी जो है वो उन रसूम या उन अकाद को जो है वो वेरिफाई नहीं करती लेकिन इसके बावजूद लोगों का ईमान या इतका जो है वो उन रसूम के ऊपर चौके होता है इस वजह से वो ये समझते हैं कि शायद ये भी हमारे मजहबी अकायद का हिस्सा है तो ऐसी रसमात जो हैं वो हम अक्सर माशरों के अंदर प्रैक्टिस होती हुई देखते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर जब हम शादी ब्याह की रसमात देखते हैं तो शादी ब्याह की रसमात का जो एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो तो ये है कि आपकी निकाह की रस्म होती है फिर वलीमा की रस्म होती है और ये बहुत सादगी से की जानी चाहिए लेकिन इसके अंदर जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी ख़ास तौर पर सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं उनकी वजह से बहुत सी ऐसी रसूमा का एक मेलगमेशन या मिक्सचर हो जाता है जिसमें ये वाज नहीं हो पाता कि आखिर कौन सी ऐसी रसमात थी जो कि मज़हब की आइडियोलॉजी से डराइव हुई हैं और कौन सी रसमात हैं जो कल्चर से डराइव हुई हैं और लोग इस हवाले से जो है वो एक कन्फ़्यूजन का शिकार रहते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको मजबूरन इस तरह की रसमांत जो हैं वो हर सूरत में अदा करनी पड़ती हैं जो जिन ज, जिसकी पीछे उनके ये लॉजिक होती है कि शायद ये जो रसूमा हैं ये इसी रिलीजियस आइडियोलॉजिकल वैल्यू का हिस्सा हैं सो इट बिकम्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर पीपल कि जब रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के हवाले से अमेलगमेट uh, होती हैं सेंस ऑफ कन्फ्यूजन पैदा करती हैं और बाज़ात जो है कम्प्लीटली इन अपोजिशन टू ईच अदर होती हैं सो नीगोसिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज मे बी नेसेसरी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर एंड एग्ज़ाम्पल्स फ्राम पाकिस्तान हम देखें तो अरेंज मैरिज है जिस तरह से हमारे ट्रडिशन uh, कल्चर के अंदर चूँकि uh, बड़े बूढ़े जो हैं वो अपने बच्चों की शादियाँ तय करते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जिनमें अभी भी उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती और उनकी शादियां जो हैं वो विदाउट देर कंसेंट तय कर दी जाती हैं जबकि रिलीजस आइडियोलॉजी को अगर हम देखें तो मजहब जो है इस बात की पूरी पूरी इजाज़त देता है कि आपको हर सूरत में जो कपल होता है उनकी कंसेंट लेना होती है तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू है हमारे माशरे के अंदर जिसकी वजह से बाज़ात जो हैं, वो क्लैश भी पैदा होते हैं यूथ खास तौर पे जो है वो इस कन्फ्यूजन का शिकार भी होती है व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिस आवर बिलीफ सिस्टम इधर वो शुड बिलीव आवर ट्रेडिशन और वो शुड बिलीव ऑन आवर रिलीजन इसी तरह यूज़ ऑफ डॉरी है जो के जहेज है विच इज़ एक्सेप्टेड इन इस्लाम हाउ एवर आर ट्रडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस विच इज़ क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक बिटवीन कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ दैन द सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे ये जो एक रिसेंट फिन है के वैलेंटाइन डे को जो है ख़ास तौर पर अरबन एलीट क्लास और अरबन एजुकेशनल इंस्टीटन के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है विच इज़ इन कम्प्लीट कॉन्ट्राडिक्शन एंड इन कम्प्लीट कॉन्फ्लिक विद आवर इस्लामिक रिलीजियस आइडियालॉजी सो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे प्रैक्टिस हैं सोशल प्रैक्टिस हैं कल्चरल प्रैक्टिस हैं कि जो हमारे मज़बी अकायद से कॉन्फ्लिक्ट में हैं बट स्टिल दे आर बींग प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ कल्चर और समटाइम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन सो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप उनके दरमियान जो डिस्टिंगशन है उसको वाजे करें ऑब्जर्व करके डिफरेंट uh, मीडिया या सोशल मीडिया के अंदर भी देखें और ख़ास तौर पे जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करके तो आप एक लिस्ट मुरतब कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हमारे मजहबी अकायद से कॉन्फ्लिक्ट हैं